नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोनू कंबोज। दोस्तों, आज हमारे पास एक बोर्ड आया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं tp.ms338.pb801। तो कुछ दोस्तों का कहना था कि जब हम इसमें सॉफ्टवेयर करते हैं, पेनड्राइव फाइल जब हमने अपडेट करनी होती है, तो हमें पता नहीं होता कि हमारा बोर्ड जो है वो 512 रैम का है या 1 GB है, 1 GB 8 GB है या 512 4 GB है। किस तरीके से इसकी जो स्टोरेज है वो पता चल सकती है, तो उसके लिए एक छोटी सी वीडियो ये आप लोगों के लिए है। या तो आप इस EMMC का नंबर जो है वो आप गूगल पे डाल के काफ़ी क्लियरली पता कर सकते हैं कि आपका जो बोर्ड है वो किस मेमोरी के साथ है, या फिर आप इसको RT809F प्रोग्रामर हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं, इससे भी आप इसका सीरियल प्रिंट ले सकते हैं। आप इसके बारे में पता कर सकते हैं कि इसका जो रैम साइज रोम साइज कितना है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, RT809F से हमें VGA ISB से इसको कनेक्ट कर लेना है, एक जो केबल साथ में आती है प्रोग्रामर के, और इस प्रोग्रामर को हमारे लैपटॉप या PC पे कनेक्ट कर लेना है। और हम देखते हैं कि इसके अंदर कितना स्टोरेज है। तो हमको यहाँ पे अपने लैपटॉप पे आना है और यहाँ पे हमको RT809F का सेटअप जो है वो ऑन कर लेना है। किसी भी बोर्ड का आप सीरियल प्रिंट ले सकते हो, उसके बारे में इसमें जानकारी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे जो RT809F का सेटअप है वो ओपन हो गया है, इसको हम कैंसिल करेंगे। और यहाँ पे हमको सबसे पहले नीचे यहाँ पे देख सकते हैं पैरामीटर सेटिंग और सीरियल प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है, तो हमको पैरामीटर सेटिंग पे जाना है पहले, सबसे पहले। और पैरामीटर सेटिंग में हमको यहाँ पे देख सकते हैं VGA RXD SDA 12, इस ऑप्शन पे ऑटो के नीचे वाला जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर लेना है, और ये नीचे बर्ड रेट जो है 11-5200 इस पर सेलेक्ट कर लेना है, और इसको हमको कर देना है सेव। यहाँ पे सेव कर दिया है मैंने। अभी हमको पैरामीटर सेटिंग के बाद हमको जाना है नीचे, यहाँ पे देखिए दोस्तों सीरियल प्रिंट पे, यहाँ पे हमको सीरियल प्रिंट पे ओके कर देना है। अभी हमको बोर्ड को जो है वो पावर देनी है, यहाँ पे बोर्ड को मैं पावर देने वाला हूँ, प्लग इन करना है हमको बोर्ड को। जैसे ही हमने यहाँ पे बोर्ड को प्लग इन किया है, तो यहाँ जो बोर्ड की कुछ इंफॉर्मेशन है वो हमें मिल गई है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं UART बस जो है वो ऑफ है, और आप इसको ऊपर करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, काफ़ी कुछ आपको पता चल जाता है जब भी आप सीरियल प्रिंट निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए UART 11-5200 जो सेलेक्ट किया हुआ है, AC ऑन, BIST 0 ओके, BIST 1 ओके, इट मीन्स इसका जो रैम है वो दोनों ओके हैं। और यहाँ पे देखिए रैम साइज, जो अभी हम जो बात कर रहे थे कि कितनी रैम का हमारा जो बोर्ड है वो रहता है, तो यहाँ पे देखिए रैम साइज 1 जो है वो 256 MB है, और यहाँ पे साइज 2 256 MB। तो दोनों रैम मिला के आप 512, इसका जो रैम साइज जो है वो 512 है। यहाँ पे देख सकते हैं 256 256 की दो रैम है इसके अंदर, तो 512 MB का इसका जो रैम है वो रहता है। और दूसरा हम इसमें देख सकते हैं इसका जो रोम साइज़ कितना है, तो यहाँ पे EMMC साइज़ देखिए 3.63 GB, मीन्स ये 4 GB, 512 4 GB का हमारा बोर्ड है। तो इस तरीके से आपके पास कोई भी बोर्ड आता है, चाहे कोई भी एंड्रॉयड बोर्ड है या नॉर्मल बोर्ड आता है, तो आप उसका जो सीरियल प्रिंट लेके आप देख सकते हैं कि उसका अंदर क्या कुछ स्टोरेज है। जैसे कि कभी भी सॉफ्टवेयर आप करने बैठते हैं, अगर स्मार्ट टीवी में खास करके, तो आपको उसका EMMC साइज, रैम साइज, रोम साइज आपको पता होना चाहिए, स्टोरेज। अगर आप गलत फाइल अगर उसके अंदर डाल देते हैं, तो आपका बोर्ड जो है वो डेड होने की कंडीशन में रहता है। तो इस तरीके से आप RT809F के द्वारा आप बहुत आसानी से उसका रैम रोम साइज चेक कर सकते हैं सीरियल प्रिंट यहाँ पे निकाल के। तो इस तरीके से हमने आज कोशिश की है जानने की किस तरीके से किसी भी बोर्ड का सीरियल प्रिंट निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ में और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।